और भाई जाके सारा स्ट्रेट कर दूंगी मैं तो भूख बाद में मर गई पहले हम मर जाएंगे लाइन मारेंगे क्रॉस तो नहीं किया लहंगा भी कह रहा बहन दिखने रहा कुछ भी तुम अकेले ही मतलब संभालती हो सब कुछ हाँ यार माहौल बहुत खराब है अपने यहाँ का सुंदर लड़कियों को तो और तंग करते हैं तो कभी भी कुछ ऐसी हरकत हो तो शर्माना मत बोलना ना नाम है यार बहुत मोहल्ले में छोड़ो ना अरे नहीं नहीं छोड़ना आता नहीं है अपने को अच्छा तो क्या आता है फिर जानना है क्या तुम्हें हाँ अगर बता सकते हो तो रहने दो समझ नहीं पाओगे तुम और समझ गई तो फिर संभाल नहीं पाओगे लाइन मारूं क्रॉस तो नहीं की ना Yes. सर अरे 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 क्या कर रहे हो सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर सर मेरे नाना जी अंतिम सांसें ले रहे हैं सर मेरी माँ को उनसे मिलवा दीजिए सर प्लीज सर मैं समझता हूँ आपकी बात लेकिन डीआरएम कोटा के जितने टिकट थे सारे जा चुके हैं सर प्लीज अम्मा यार इसमें मेरे हाथ में क्या है सीट क्या घर से लगवा दूँ तो किसके हाथ में किसी बड़े रेलवे अफसर के पैर पकड़ो वो अगर अपने पर्सनल कोटा में करवा दे तो करवा दे भगवान पे भरोसा रखो नाना जी ठीक हो जाएंगे बड़े रेलवे अफसर के पैर पकड़ने से हो जाएगा हो जाए ठीक है सर पापा ने रॉयल एंट्री मारी हमारे कमरे में और हम सब ये कि ये वो टाइम है जब खाना तैयार हो जाना चाहिए पापा ने एंट्री मारी ऑप्शंस के साथ कि बेटा चिकन काला टायर खाओगे या मटन पंचर साइकिल जो कि दोनों ही ऑप्शन हमने सुने नहीं कभी जिंदगी में जिस पे हमने बोला पापा ये तो हमें पता ही नहीं क्या तुमने कुछ जिंदगी जी ही नहीं मैं कहा आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तुम पे ही थी तो घर में चिकन रखा हुआ है तो क्या बनना चाहिए मटन क्योंकि उसमें देर लगेगी ना लाने में 3 बज रहे हैं पेट की आंतें चिपक रही हैं मतलब मेरी इंटेस्टाइन ने सारी मेरी रीढ़ की हड्डियां गिन ली तो मेरा भाई जीशान उसने बोला धीरे सी कि पापा 3 सीटी आ गई शायद बनी है कोई भी समझदार आदमी इस टाइम पे क्या करेगा कि हाँ अरे 3 सीटी आ गई मेरे को सुना नहीं था जाके बंद कर देता हूँ गैस हमारे पापा तो मम्मी की बुराई में निकल दी ये तो तुम्हारी माँ को खाना बनाना का आता है ये तो खाने के लिए बनाती है बस अरे खाना शौक से बनता है मटन की तासीर ही है ये कि वो धीमी आंच में पकता है मैं कहा क्या था ये बनता हुआ क्यों रोक दिया वो बन गया था ना फिर मेरा छोटा भाई एक ऑप्शन था कि पापा नाश्ता कर लेंगे चुप रहे अरे खाना मत कुछ भी अरे भूख मर जाएगी फिर स्वाद नहीं लगेगा मैंने कहा भूख बाद में मरेगी पहले हम मर जाएंगे और तो और यार एक तो शादियों की रस्में बदल दी लोगों ने मैं अपने दोस्त की शादी में गया उस वहां पे अलग ही हो रहा था क्या संगीत में नाच रहे हो ना तुम लोग मैं कहा हमें क्या नाच मतलब वो तो आंटियाँ बोल संगीत में तो बोला ऐसी घर की औरतें ना नहीं बोलो उसमें क्या है अब बनो तेरा हो गया बस और क्या यही संगीत है ले नहीं 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 बोले तुम नहीं बताए तुम कहाँ थे इतने दिन मैंने कहा मैं 2-4 साल के लिए बाहर था मैं चेंज हो चुका सब कुछ मैंने कहा सिलेबस बदल गया क्या कम्प्लीट अब दोस्त तक भी ठीक है दूल्हा दुल्हन को क्यों परफॉर्म करना भाई और दूल्हा दुल्हन साथ में मत ना चाहो उनको क्योंकि भद्दा लगेगा जो 95% लड़कों को नाचना नहीं आता है पर मुझे ना अपना मेटाबॉलिज्म पता है मैं 20 डेज वॉक करूंगी ना मैं सारा श्रेड कर दूंगी अभी नेक्स्ट मंथ ना 27 को अजय भैया की शादी है मैंने तो लहंगा भी एक साइज छोड़ा लिया है भाई का दिन आ रहे वो 20 दिन 27 को अजय भैया की शादी हुआ थी इनने कहे जैसे लहंगा भी ठसा लिया लहंगे के माथे पे ना गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है
लहंगा भी कह रहा बहन दिखना रहा कुछ भी।